अपने सौंदर्य को महकता एवं खिला खिला रखने की चाह किसके हृदय में नहीं होती। कौन सी स्त्री है जिसे बनना सवरना पसंद नहीं होता और जो अपने सौंदर्य को उज्जवल रखना नहीं चाहती। इसके लिए ना जाने कितने कृत्रिम सौंदर्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, पर होता वही है, चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इन वस्तुओं से आप थोड़ी बहुत देर के लिए तो आकर्षक लग सकती हैं, पर स्थायी रूप से नहीं। इसके अतिरिक्त कई कृत्रिम वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो आपके सौंदर्य को निखारने की बजाय उसकी स्वाभाविक चमक भी खो देती हैं। कृत्रिम सौंदर्य वस्तुओं का प्रचलन कब से हुआ ये तो नहीं पता, पर एक बात बिल्कुल सच है, हमारी दादी नानी आज भी अपनी नातिनों व पोतियों को सौंदर्य वृद्धि के लिए फल सब्जियां एवं कुछ ऐसी ही घरेलू चीजें प्रयोग करने की सलाह देती हैं। यानी प्राकृतिक सौंदर्य वस्तुओं का प्रयोग दादी एवं नानी के जमाने से होता आ रहा है। बादाम एवं चिरौंजी द्वारा चेहरे की त्वचा को निखारने की बात तो हम किसी भी बड़ी बूढ़ी के मुंह से सुन सकते हैं। आलू, नींबू, खीरा, मूली, सेब एवं पपीता जैसे फलों एवं सब्जियों से सौंदर्य निखारने की परंपरा तो हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। साथ ही कील मुहासे जैसे रोगों से हमारे सौंदर्य की रक्षा भी करती है। ताजे फल एवं सब्जियों से हमें खनिज लवण, फास्फोरस, पोटेशियम एवं लौह तत्व मिलते हैं। ये फाइबर्स होते हैं। विटामिन एवं फाइबर से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। सूखे फलों से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है जो हमारी त्वचा एवं बालों को चमकीला बनाए रखता है। तात्पर्य यह है कि फल एवं सब्जियां आपके स्वास्थ्य एवं सौंदर्य दोनों के लिए ही लाभकारी हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.